फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो एमएससी स्टूडेंट के लिए है। प्रत्येक एटम या मॉलिक्यूल्स में लाइट रेडिएशंस को अब्जर्व करने की क्षमता होती है तथा किसी एटम या मॉलिक्यूल से गुजरने वाली रेडिएशन की मात्रा या अब्जर्व होने वाली मात्रा इसकी पहचान कंसंट्रेशंस को बताती है। इसमें यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तथा इस प्रोसेस को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर करते हैं। इसमें विजिबल तथा यूवी लाइट का यूज़ करते हैं। इनकी वेवलेंथ जो होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर तथा 200 से 400 नैनोमीटर होती है। किसी लाइट वेव की एनर्जी उसकी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तथा वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोप होती है, जिसे निम्न से शो करते हैं। ई बराबर एच सी अपॉन लेमड़ा, जहां एच एक प्लांक नियतांक है, सी प्रकाश का वेग है। प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बीयर और लैम्बर्ट लॉ, विजिबल तथा यूवी लाइट की स्पेक्ट्रम एनालिसिस बीयर लैम्बर्ट लॉ पर आधारित है। इन्होंने लाइट से रिलेटेड 2 लॉ प्रस्तुत किए हैं। बीयर के अकॉर्डिंग रेडिएंट एनर्जी का ऑब्जर्वेशन लाइट के मार्ग में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लैम्बर्ट के अकॉर्डिंग किसी स्पेशियल कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स के द्वारा लाइट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू इसमें गुजरने वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता था। किसी सैंपल में ट्रांसमिटेंस की वैल्यू सेम रहती है। टी बराबर आई अपॉन आई नॉट ट्रांसमिटेंस की हेल्प से ऑब्जर्वेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ए बराबर ई बराबर लोग 1/T। संयुक्त बीयर लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी सब्सटेंस में लाइट का ऑब्जर्वेशन उसके कंसंट्रेशन और थिकनेस पर डिपेंड करता है। ए बराबर ई लैम्बडा सी एल, ई लैम्बडा को कॉन्स्ट्रेट, सी को कॉन्सट्रेशंस और एल को थिकनेस बोला जाता है। ये इसका ग्राफ है कॉन्सक्रेशन। स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में निम्न कंपाउंड्स होते हैं। पहला है सोर्स ऑफ रेडिएशन, यानी विकिरण के स्रोत। रेडिएशन के विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए टंगस्टन लैंप द्वारा तथा यूवी स्पेक्ट्रम के लिए हाइड्रोजन लैंप का